नमस्कार, मैं हूं अमिता बंगा, जो आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस खास में आज बात करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। जैसे कि आपको याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराते समय ये वादा किया था कि वो अपना तीसरा टेन्योर जो है वो भी पूरा करेंगे और वो लाल किले पर जो है वो झंडा फहराएंगे। और इसी वादे के साथ में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 11वीं बार लाल किले पे जो है वो ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। और इसी के साथ वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है वो पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर लगातार 10 बार जो है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और हालांकि सबसे ज्यादा बार जो है लाल किले पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड जो है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। और वह साल 1947 से लेकर 1963 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने लगातार 17 बार जो है तिरंगा फहराया। और इसके बाद उनकी बेटी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगातार 16 बार लाल किले पर जो है वो झंडा फहराया था। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराने के मामले में वो सबसे आगे रहे हैं और उन्होंने कुल 17 बार जो है वो लाल किले पर तिरंगा फहराने का अपना जो है वो रिकॉर्ड बनाया था। और इसके बाद दिवंगत पीएम इंदिरा गांधी ने 16 बार जो है वो लाल किले पर झंडा फहराया और पंडित नेहरू ने 1947 से 1963 तक जो है लगातार 17 बार लाल किले पर जो है वो झंडा फहराया था। और जबकि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 1967 से 1976 तक और उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक लगातार 5 बार जो है वो तिरंगा फहराया, यानी कि उन्होंने कुल 16 बार लाल किले पर जो है वो झंडा फहराया और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। और इसके बाद पूर्व पीएम नरेंद्र मोदी इसके बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2013 तक जो है लगातार 10 बार झंडा फहराया, जिसका रिकॉर्ड पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो तोड़ने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी 11वीं बार जो है वो तिरंगा फहराने जा रहे हैं। और इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले परिसर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए 11 श्रेणियों के तहत 18,000 लोगों को जो है वो आमंत्रित किया गया है। इसमें 4,000 खास मेहमान महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग से होंगे। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इन्हीं 4 जातियों को बुलाने का निश्चय किया है। और इसके अलावा ओलंपिक 2024 में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जो है वो आमंत्रित किया गया है। और इन सारी चीजों के साथ में आप दूरदर्शन पे जो है वो इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और इन सारी चीजों के साथ में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में इस बार क्या है, वो इस बार क्या खास जो है भाषण लेके आने वाले हैं। और इसी के साथ काफी धूमधाम से जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ घर घर तिरंगा जो है, हर घर तिरंगा अभियान भी जो है काफी जोर शोर से जो है वो चलाया गया है। और आप भी अपने घर में तिरंगा लगाएं और तिरंगे की शान और राष्ट्र की भावना से जो है वो पूरे आप प्रेरित रहें और राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो छलकती है 15 अगस्त के दौरान जब झंडा फहराया जाता है। और इन सारी चीजों का जो है वो अपना महत्व है। हर नागरिक को गर्व होता है कि वो स्वतंत्र भारत का नागरिक है और वो स्वतंत्रता के वातावरण में जो है वो सांस ले रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है वो कायम है और जिस तरह की जो है कामना की जाती है कि हमारे यहाँ इसी तरह का जो है लोकतंत्र कायम रहे, समृद्धि रहे और हमारा देश जो है दिन रात तरक्की करता रहे। और जिस तरह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आने वाले समय में सोने की चिड़िया बने। और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती जा रही है और इस तरह का दावा किया जा रहा है कि भारत जो है वो तीसरे नंबर पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था होने वाली है, यानी कि भारत जो है आर्थिक मामलों में जो तीसरे नंबर यानी कि तीसरी शक्ति जो है सबसे बड़ी बनने वाला है। तो इन सारी चीजों के साथ में हमारी भी कामना है कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे और हर नागरिक जो है वो संपन्न हो, हर नागरिक के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना हो और हर घर तिरंगा जो है वो लहराए। और जब घर घर तिरंगा लहराता है तो देश जो है वो इतना स्वस्थ दिखाई देता है और हर नागरिक के मन में जो है देश के लिए जो है प्रेम होता है और जिस तरह की भावना होती है, सद्भावना लोगों के दिलों में होती है। और जो भारत जो जाना जाता है विविधता में एकता के लिए, यानी कि भिन्न भिन्न लोग होते हुए भी हमारे देश में सब लोग मिल के रहते हैं और जिस तरह से लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं तो वो एक जो है विशाल है। और ये सारे लोगों के लिए जो है एक प्रेरणा भी है कि भारत में किस तरह का हंसी खुशी का माहौल है और भारत जो है इसी तरह से तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत।